आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। खूबसूरत नजारा आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो नजारा है ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है जो कि आसाम में है। बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, ये एक ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां आपको सब कुछ मिलेगा। आपको शेर भी मिलेंगे, आपको हाथी भी मिलेंगे, आपको गैंडे भी मिलेंगे, आपको चीते भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। आपको पहाड़ियां भी मिलेगी, आपको नदी भी मिलेगी। तो भैया किस बात का इंतजार है, अभी इसी वक्त सामान पैक करो और अगर आपको घूमना है तो यहां चले जाओ। नेचर की गोद में, प्रकृति की गोद में थोड़ी देर रहो, मजा आ जाएगी दोस्तों। बहुत ही सुंदर है दोस्तों मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। बहुत टाइम से यहाँ पे पोचिंग भी चल रही थी, ठीक है ना। यहाँ पे राइनोसोरस जो है ना उनको मारा जा रहा था, उनकी सींग निकाली जा रही थी, लेकिन अब 2011 में फाइनली वो टैग हटा लिया गया। बहुत ही गजब काम हुआ है दोस्तों, घूमने के लिए भी बहुत बढ़िया है। हालांकि आपको बता दूं, जुलाई से लेकर सितंबर तक ये क्लोज रहता है। वैसे जुलाई से लेकर सितंबर तक ज्यादातर नेशनल फॉरेस्ट क्लोज रहते हैं, और उसके बाद बेस्ट मौसम जो यहाँ पे विजिट करने का है नवंबर से अप्रैल। बहुत ही खूबसूरत, वैसे नवंबर से अप्रैल आप कहीं पे भी जाइए, सबसे बेस्ट मौसम नवंबर से अप्रैल ही होता है। आप कहीं पे भी विजिट कर लीजिए, बहुत ही खूबसूरत। जुलाई टू सेप्टेम्बर मानसून की वजह से, क्योंकि नदियां बहती हैं, ठीक है, बारिश होती है और प्रॉब्लम, और ये तो हिमालयन बेल्ट में आता है तो इसीलिए नदियां जो है वो उफान पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि भैया कुछ समय तक आप मत आओ, लेकिन नवंबर से मतलब सितंबर के बाद से दोबारा खुल जाता है। फॉरेस्ट में ही होटल्स बने हुए हैं, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे पहुंचना कैसे है, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये 11वां लेक्चर है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अभी तक 10 लेक्चर्स हो चुके हैं यूनेस्को के, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे अभी इसी वक्त देखिए। sid_eConnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। एक चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, देखिए मेरी जो फेसबुक प्रोफाइल है उसमें मैंने फ्रेंड लिमिट एग्जॉस्ट कर दिया बहुत टाइम पहले ही। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप मैसेज भेजते हैं तो वहां मुझे विजिबल नहीं होते हैं, वहां मुझे दिखते नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड लिमिट एग्जॉस्ट है। तो आप मेरे पेज पे मैसेज किया करिए, वहां पे मुझे सारे मैसेज मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पे मेरे बहुत सारे पेंडिंग मैसेजेस पड़े हैं, मैं देख नहीं पाता हूँ मैसेज। तो कृपा करके आप मेरे पेज पे मैसेज किया करिए, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2020 यानी कि अगले साल के आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज ही स्टडी आईक्यू के कोर्सेज को अवेल करें। 100% सिलेबस कवर्ड है विद इंडिया टॉप फैकल्टी, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये कल्चरल साइट्स हैं दोस्तों, एक एक करके हम सबको रिव्यू करेंगे। आगरा फोर्ट को हमने रिव्यू कर लिया, अजंता केव्स, नालंदा यूनिवर्सिटी, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, चंपानेर पावागढ़, फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सीएसटी जिसको बोला जाता है, पहले इसको विक्टोरिया टर्मिनस बोला जाता था वीटी, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, इन सबको कर लिया। और अगला जो लेक्चर आएगा वो एलिफेंटा केव्स पे आएगा। उसके बाद दोस्तों ये सब है हम एक एक करके देखेंगे। फिर अगर हम नेचुरल साइट्स की बात करें तो सुंदरबन, वेस्टर्न घाट्स, और आज हम मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रिव्यू कर रहे हैं। और ये खंजन जोन का, इसका लेक्चर कल ही आया था, देख लीजिएगा, ये मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये कल्चरल भी है और नेचुरल भी है, तो इसको मैंने पूरा कवर किया है। हमारा प्यारा भारत आप देख सकते हैं, ये है भारत की शान, जम्मू कश्मीर। हाल ही में बहुत सारे आर्मी, बहुत सारे जवान यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, हमको देखना पड़ेगा, लेकिन आप फिलहाल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिए। ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट, 7 सिस्टर स्टेट्स, और ये है हमारा चिकन नेक कॉरिडोर। तो यहां से आप जाएंगे भैया नॉर्थ ईस्ट के लिए, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, टूरिज्म गजब का है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे मतलब अगर आपको जंगल देखने हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियां देखनी है, चले जाओ यहाँ पे, पूरा हिमालयन बेल्ट में आता है, खूबसूरत नजारे हैं, सांसें रुक जाएंगी, ऐसे नजारे हैं। और ये रहा आसाम, और यहाँ पे है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना, आसाम में ये फुटहिल्स ऑफ हिमालय पे, हिमालय के फुट पे ये लोकेटेड है, ठीक है ना, और बहुत ही खूबसूरत है, मैंने कुछ पिक्स भी डाली हैं, हम वो देखेंगे। तो दोस्तों अगर हम मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो फुट हिल्स ऑफ द भूटान हिमालयस पे ये लोकेटेड है, कहां पे, आसाम पे। तो आपको ये भी याद रखना है, स्टैटिक जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये सवाल बैंक में एसएससी में पूछा गया है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। और इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, 1905 में बोला था कि भैया इसको फॉरेस्ट रिजर्व बना दो, ठीक है ना,
इसको घोषित कर दो, और समय समय पर इसके एरिया को बढ़ाया जाता रहा है। 1955 में इसके एरिया को 391 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा दिया था, फिर उसके बाद हम देखते हैं 2008 में 950 स्क्वायर किलोमीटर पूरा एरिया बढ़ा दिया गया था। वैसे काफी बड़ा एरिया है, ठीक है ना, अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 2900 स्क्वायर किलोमीटर तक एक्सटेंड है, तो अच्छा खासा एरिया है, ठीक है ना। तो मानस भैया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं लाइफ लाइन है भैया आसाम की, ठीक। तो ये चीज है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये फर्स्ट रिजर्व है जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, फर्स्ट रिजर्व है जिसको इसमें इंक्लूड किया गया था। भैया 60 से ज्यादा शेर आपको यहाँ पे मिलेंगे। वैसे तो हमको अपने आप को बधाई देनी चाहिए क्योंकि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो अब 2900 हो गई है, पहले 1400 थी। तो टाइगर भैया एक तरीके से मतलब काफी उनकी पॉपुलेशन प्रजातियां कम हो रही थी, लेकिन फाइनली जो है वो बढ़ गई है और हमको बहुत ही ज्यादा खुश होना चाहिए। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में घोषित किया गया था, और तब से भैया ये स्क्रूटनी के अंदर है, पैसे इसके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, इसको प्रिजर्व करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। यहाँ पे हंटिंग पोचिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी, मैंने बताया ना, यहाँ पे कुछ जो बर्ड्स की स्पीशीज है वो एंडेंजर्ड हैं, इंडियन राइनोसोरस एंडेंजर्ड हैं, तो उनको बचाने के लिए भी इसको बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो घोषित किया जा चुका था, ठीक है। हालांकि 2011 में जो ये डेंजर का टैग है, ठीक है, कि मतलब काफी ये जो जगह है ये कुछ ऐसी प्रजातियों के लिए बड़ा ही मुश्किल पैदा कर रही है, तो वो टैग हटा लिया गया था कि अब ये पूरी तरीके से सुरक्षित है और अब यहाँ पे ऐसी कोई भी पोचिंग एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। अब आपको बता दूं कि भैया यहाँ पे नदियों का संगम भी देखने को मिलेगा। मानस एक नदी है बेसिकली, देखिए हिमालय की बात करें तो गंगा निकलती है, सिंधु नदी जो पाकिस्तान में जाके अरेबियन सी में मिलती है, और ब्रह्मपुत्र निकलती है, ठीक है ना, तो ये कैलाश मानसरोवर से जाके ओरिजिनेट होती है। तो हम यहां पे देखते हैं ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है मानस नदी, मानस एक नदी है। और यहां पे हम देखते हैं कि अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो संकोच रिवर, ईस्ट में जाएंगे तो धांसीरी रिवर, तो यहां पे तीनों रिवर एक दूसरे से मिलती हैं। अभी मैं मैप दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो नदियों का भी संगम है और बहुत ही खूबसूरत नजारा यहाँ पे देखने को मिलता है। क्यों फेमस है दोस्तों, यहाँ पे आसाम रूफ्ड टर्टल जो कि एंडेंजर्ड हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे, लंगूर देखने को मिलेंगे, पिग्मी हॉक, ये सब एंडेंजर्ड हैं, ठीक है ना। और उसके बाद वाइल्ड वाटर बफेलो भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं यहाँ पे सफारी होती है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ पे यहां तक आप अगर आप प्लान कर रहे हैं आसाम जाने की और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाने की, तो आपको पहुंचना कैसे है और क्या क्या आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो पार्क का नेम है वो कहां से ओरिजिनेट किया गया है, भैया सांपों की भगवान, सरपेंट गॉडेस मानस, सांपों की देवी। तो मानस जो है वो सांपों की देवी, और मानस एक रिवर है, मतलब ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, लाइफ लाइन है अरुणाचल प्रदेश और आसाम की, ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। उसके बाद हम देखते हैं यहां पे अगर हम ह्यूमन सेटलमेंट की बात करें तो पार्क में खाली आपको एक ही विलेज मिलेगा, सिर्फ एक फॉरेस्ट विलेज मिलेगा, पगरांग। वैसे आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कि जंगलों में हम गांव बना रहे तो ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं। हमने अभी देखा, हाल ही में एक नजारा देखा ना पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, उसमें क्या हुआ था, एक बाघिन को पीट पीट के मार डाला गया, बहुत ही डिस्टर्बिंग वो सीन था, काफी दिल को झकझोर देने वाला, जहन को झकझोर देने वाला वो नजारा था, जब डंडे से बाघिन को पीट पीट के मार रहे थे। तो मैन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट या मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इससे बहुत ज्यादा बढ़ता है, लेकिन भारत की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो जहां जगह मिले वहीं पे ही गांव बना दो। हालांकि यहां पे सब कुछ अच्छा है, पीसफुल है, तो यहां पे एक फॉरेस्ट आपको मिलेंगे पगरांग, लेकिन उसके अलावा 56 और ऐसे गांव हैं जो इस पूरे फॉरेस्ट के आउटस्कर्ट्स में यानी कि बाहर के एरिया में पूरा लोकेटेड है, ठीक है ना। और दो डिस्ट्रिक्ट भी हैं यहाँ पे, ये जो पार्क है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट, चिरांग और बक्सा डिस्ट्रिक्ट में ही फॉल करता है। तीन रेंजेस हैं यहाँ पे, वेस्टर्न रेंज पनबारी, सेंट्रल बंसबारी और ईस्टर्न भुयापारा, ठीक है ना, तो ये चीज है। उसके बाद अगर हम फ्लोरा की बात करें यहाँ पे तो 55 स्पीशीज ऑफ मैमल्स की आपको मिलेंगी, 380 स्पीशीज ऑफ बर्ड। बर्ड वॉचिंग दोस्तों यहाँ पे
एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो अपनी दूरबीन लेके आते हैं, अपना DSLR लेके आते हैं, और चिड़ियाओं को तो देखते हैं। बड़ी नायाब प्रजातियां यहाँ पे मिलती हैं, कुछ तो इंडेंजर्ड हैं। उसके बाद जिससे मुझे बड़ा डर लगता है, रेप्टाइल्स भैया, 50 प्रजातियां आपको रेप्टाइल्स की मिलेगी, 3 प्रजातियां आपको एम्फीबियंस की मिलेगी, ठीक है ना। तो ये चीज है, और आपको बता दूं कि 55 में से 31 तो थ्रेटेंड हैं, ठीक है ना, इंडेंजर्ड हैं। तो ये भी थोड़ी सी चिंता की बात है। उसके बाद यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ आपको एलिफेंट्स मिलेंगे, एलिफेंट सफारी भी होती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ है देखने लायक। यहाँ पे आप जीप सफारी भी होती है, जीप लेके निकल जाइए, एलिफेंट सफारी भी होती है, हाथी के ऊपर बैठ के पूरे पार्क में घूमिए, भ्रमण करिए, शेरों को देखिए, हाथियों को देखिए, राइनोसोरस को देखिए, गौर्स को देखिए, बफेलो भैंसों को देखिए, बारहसिंघा, उसके बाद फिर टाइगर्स। टाइगर्स तो वैसे दिखते नहीं है, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो आपको दिख जाएंगे टाइगर, शेर, ठीक है। वैसे बड़े शाये होते हैं, वो इंसानों के सामने नहीं आते हैं। देखिए जैसे हम इंसानों हम मतलब जैसे हम शेरों से डरते हैं या हम जानवरों से डरते हैं, वैसे जानवर भी हमसे डरते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ आपको इंडियन इंडियन लेपर्ड्स भी देखने को मिलेंगे, क्लाउडेड लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे, गोल्डन कैट्स देखने को मिलेगी, डोव्स, कैप्ड लंगूस, गोल्डन लंगूस, आसामीज मकाउस, देख लीजिए सब कुछ लिखा हुआ है। एक्चुअली मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, इसका कोई फायदा नहीं है। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो दो तरीके की यहाँ पे सफारी होती है, एक तो जीप सफारी, ठीक है, खुली जीप होती है, बड़ा ही खूबसूरत, एकदम एंजॉय करते हुए जाइए, और एक एलिफेंट सफारी, ठीक है ना। और ये सब बुकिंग पे होता है, ठीक, आप बुक कर लीजिए, आराम से यहाँ पे आप पहुंच सकते हैं। उसके बाद अगर हम फौना की बात करें तो भैया यहाँ पे वेजिटेशन अच्छा खासा है। क्यों, देखिए हिमालय जो है, होता क्या है, हिमालय से नदियां निकलती हैं, जब पानी आता है तो बहुत सारी चीजें वो साथ में लेके आती हैं, ठीक है। वो पत्थरों को लेके आएंगी, वो चट्टानों को लेके आएंगी, वो सिल्ट को लेके आएंगी, तो वो सारी चीजें क्या, जैसे ये पहाड़ है, यहां से नदियां सारी चीजें लेके और यहां पे डिपॉजिट कर देती हैं, ठीक है। स्लोप पे तो नदियां बहुत तेज आती हैं, लेकिन यहां पे डिपॉजिट कर देंगी। तो जब यहां पे डिपॉजिट होता है तो ये क्या बनाती है, एलुवियल सॉयल, जो कि सबसे फर्टाइल होती है। अब यहां पे पेड़ पौधे उगना शुरू करेंगे, तो वेजिटेशन का सबसे बड़ा कारण नदी है, और अपने साथ जितनी भी चीजें लेके आती है वो बनाती है यहाँ पे एलुवियल सॉयल, जिसकी वजह से आपको ढेर सारा यहाँ पे वेजिटेशन, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। 543 प्लांट्स की स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट इको रीजन है, एवरग्रीन नहीं, एवरग्रीन क्या होता है, सालों भर 365 दिन पत्ते रहेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जब पतझड़ आता है तो पेड़ क्या होते हैं, ड्राइनेस की कमी होती है, तो वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं, फिर मॉनसून में पत्ते वापस आते हैं। लेकिन जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, जैसे अमेजोन में, साउथ अमेरिका में, वहां बारिश हमेशा होती है, तो वहां पे पत्ते कभी गिरेंगे ही नहीं। तो ये सेमी एवरग्रीन है, यानी कि डेसीडुअस फॉरेस्ट, पर्णपाती, यानी कि ये जब पतझड़ आएगा तो अपने पत्ते गिरा लेंगे, दे शेड देयर लीव्स और फिर दोबारा आ जाएंगे। तो भैया सितंबर जब I'm sorry, बीमार हूं मैं थोड़ा सा, हालांकि काफी अब तो इंप्रूवमेंट है मेरी तबीयत में, ठीक है, फिर भी हल्का फुल्का रह गया, तो आई एम रियली सॉरी। तो अगर हम बात करते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट की, तो इसीलिए आप सितंबर के जब बाद जाएंगे ना, और नवंबर में, ओफ वो क्या नजारा, पूरी तरफ आपको ग्रीनरी मिलेगी, बहुत ही खुशनुमा नजारा होता है, मन ही नहीं करेगा भैया वापस आने का। अगर आप नॉर्थ साइड से, क्योंकि नॉर्थ साइड में तो पहाड़ है नहीं, अगर आप यूपी में बात करें, दिल्ली में बात करें, तो यहाँ पे तो पहाड़ के यहाँ पे तो पेड़ भी नहीं है, बहुत मुश्किल है, यहाँ पे सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं। तो जब आप अगर नॉर्थ ईस्ट साइड में जाएंगे तो वहां पे फिर आने का मन ही नहीं करेगा, ठीक है। और आपको बड़े बड़े ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये 50% ऑफ द पार्क को कवर करता है। तो आपको क्या क्या, चार, अगर हम यहाँ पे चार टाइप ऑफ वेजिटेशन की बात करें, तो सबसे पहले तो सब हिमालयन लाइट एलुवियल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके बाद ईस्ट हिमालयन मिक्स्ड मॉइस्ट ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, फिर लो एलुवियल सवाना वुडलैंड, और आसाम वैली सेमी एवरग्रीन एलुवियल ग्रासलैंड। खाली यहाँ पे कीवर्ड्स को याद रखिए, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, एलुवियल ग्रासलैंड, बड़ी बड़ी घासें मिलेंगी, और ये 50% पार्क को कवर करती है। अब पहुंचा कैसे जाए, इसी का आप इंतजार कर रहे होंगे, भैया पहुंचे कैसे यहाँ पे, देखिए अगर आप प्लेन से जा रहे हैं गुवाहाटी चले जाइए, वहां से 180 किलोमीटर है, ड्राइव है, वहां पे आपको टैक्सी मिलती है, टैक्सी करिए, पहुंचिए पार्क में। और पार्क में सबसे अच्छी बात यह है कि कॉटेजेस बने हुए हैं,
वहां पे ठहरने का पूरा इंतजाम है, तो बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है, अथॉरिटीज ने पूरा इंतजाम करके रखा है, प्री बुक करके जाइए, ठीक है, क्योंकि नवंबर में बुकिंग नहीं होती है। और एक और अच्छी चीज, बहुत सस्ता है भैया, 1500 रुपए पर नाइट, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए पर नाइट, और इसमें डिस्काउंट भी मिलते हैं, 1500 रुपए पर नाइट आप बुक करके जा सकते हैं, और उसके बाद फिर वाइल्ड लाइफ का मजा लीजिए। अगर आप रोड से जा रहे हैं तो अगेन फिर गुवाहाटी, देखिए रेलवे या एयरपोर्ट तो आपको जाना ही पड़ेगा, रेल स्टेशन या एयरपोर्ट, वहां से आप ड्राइव कर सकते हैं, 176 किलोमीटर है गुवाहाटी से, 5 घंटे रखते हैं, NH31 इसको कनेक्ट करता है। उसके बाद दोस्तों ये 326 किलोमीटर अगर सिलीगुड़ी से बात करें, फिर बागडोदरा से बात करें तो 355 किलोमीटर, 401 किलोमीटर अगर काजीरंगा से बात करें, लेकिन बेस्ट यही कि आप गुवाहाटी चले जाइए और वहां से फिर आप पकड़ लीजिए, मतलब रोड से चले जाइए, वहां पे ड्राइव मतलब टैक्सी बुक करके चले जाइए। रेलवे की बात करें तो अगेन गुवाहाटी जो है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, तो गुवाहाटी भैया गुवाहाटी तक तो राजधानी जाती है, राजधानी से चले जाइए और उसके बाद फिर से टैक्सी कर लीजिए और यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा मैप है, ये देख रहे हैं ना, ये पूरा नदी जो है वो ओरिजिनेट हो रही है। उसके बाद ये है आपका नेशनल NH31 हाईवे, तो आप जब यहाँ पे जाएंगे तो ये पूरा आउटस्कर्ट्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑफिस है, ठीक है, ढेर सारे आपको ऑफिस दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑफिस यहाँ पे लोकेटेड है अथॉरिटीज के, और ये पूरे ट्रैक्स हैं, ठीक है, ये आपको पूरी जर्नी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जब भी आप बुक करेंगे तो पूरा आप घूम सकते हैं, पूरे पार्क को घूम सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही खूबसूरत नजारा है। अब कुछ पिक्स देख लीजिए कि कितना खूबसूरत, ये पूरी आपको पहाड़ियां दिख रही है नदी के बिल्कुल पास से, मन करता है कि यहीं पे रह जाए, जाए नहीं, छोटी सी झोपड़ी बना के, सनसेट तो मैं हर वक्त लगाता हूं, तब से खूबसूरत सनराइज और सनसेट लगता है। वैसे आपको बता दूं कि शाम को 6:30 बजे बंद हो जाता है, ठीक है, 6:30 बजे के बाद भैया रात हो जाती है ना, जंगल में रात में अगर आप गए तो फिर बहुत ही हालत खराब हो जाएगी, तो ये शाम को 6:30 बजे बंद हो जाता है। तो सनसेट का खूबसूरत नजारा आप देख ही रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी देख लीजिए दोस्तों, ये सनराइज का नजारा है, देख रहे हैं ना कि कितना अच्छा लग रहा है, अगर आप यहाँ पे बैठ जाए मजा आ जाए। ये इंडियन राइनोसोरस है, ठीक है ना, खूबसूरत, ये आपको बिल्कुल आसानी से दिख जाएंगे जब भी आप जीप पे सफारी करेंगे। यहाँ प्लांटेशन भी देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे खेती भी की जाती है, तो वो भी आपको एक नजारा है। और ये एलिफेंट सफारी है, ऐसे आपको ऊपर बिठाया जाएगा और हाथी के ऊपर चढ़ के पूरे पार्क को देखिए, किस्मत अच्छी हुई तो शेर भी दिखेगा। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आई होप आपको पसंद आया होगा, जरूर शेयर करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।